एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। पेट्रोल 13 पैसे और डीजल 11 पैसे महंगा हुआ। विजय माल्या के देश छोड़ने से पहले सेटलमेंट के लिए वित्त मंत्री से मिलने के दावे पर जेटली की सफाई। फेसबुक पर लिखा, मुलाकात हुई थी लेकिन मामला वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। विजय माल्या के दावे के बाद राजनीति गरमाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुण जेटली से इस्तीफा मांगा, कहा प्रधानमंत्री मामले की स्वतंत्र जांच कराए। विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में लंदन की कोर्ट में सुनवाई पूरी, 10 दिसंबर को फैसला आएगा। दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाने पर सुप्रीम कोर्ट से राज्यों को फटकार, एक महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। किसानों से अनाज खरीदने की नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली, एमएसपी में होने वाले घाटे की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। 19 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अनशन तोड़ा, कहा अब 19 सालों तक और लड़ूंगा। और एप्पल ने 3 नए आईफोन और लेटेस्ट फीचर से लेस स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया। 2 आईफोन में पहली बार डुअल सिम, भारत में 28 सितंबर से बिक्री शुरू होगी।